आज का टॉपिक है इंडस्ट्री सनत, और सनत इंडस्ट्री में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए और इंडस्ट्री में कौन कौन से अवामिल, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो उनको हमें फोकस करना होता है। तो उस हवाले से तो इंडस्ट्री में हमने फैक्टर्स देखने हैं, इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं, क्या क्या उसकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि इंडस्ट्री की डेफिनेशन है क्या। अगर एग्जाम में आपसे इंडस्ट्री की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या करेंगे। आप सिंपल डेफिनेशन भी कर सकते हैं, कोई टेक्निकल डेफिनेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई टेक्निकल डेफिनेशन हम करते हैं तो वो तो एक अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, लेकिन कोई भी डेफिनेशन है जिससे आप इंडस्ट्री को या सनत को क्लियर कर सकें एग्जामिनर को, तो वो आप कर सकें। तो द टर्म मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच मैन चेंज द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल बाय कन्वर्टिंग देम इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सम अमाउंट ऑफ वैल्यू इज एडेड। तो क्या इंडस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ पे की गई कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, सनत जो है, उसमें शामिल है कि इंसान रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दे किसमें, यूजफुल प्रोडक्ट में, फिनिश गुड में, एंड सम अमाउंट ऑफ वैल्यू इज एडेड, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करे। मिसाल के तौर के ऊपर कि लेदर इंडस्ट्री क्या करती है, लेदर को उसमें क्या करती है, कन्वर्ट करके उसको शूज़ पे कन्वर्ट कर देती है। जब वो शूज़ पे कन्वर्ट करती है तो उसमें वैल्यू ऐड की जाती है डिफरेंट वेज में। तो डेफिनेशन ये भी आप कर सकते हैं कि इंडस्ट्री क्या करती है, विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री, इज कॉल्ड इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री क्या है, क्या टाइप्स है इसकी। तो अगर हम इसकी फर्दर बात करें तो इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री बिलोंग टू द प्राइमरी एक्टिविटी, इंडस्ट्री बिलोंग्स टू द प्राइमरी एक्टिविटी, जो आपको पांच डिफरेंट मैंने एक्टिविटीज पढ़ाई थी, सॉरी सेकेंडरी एक्टिविटी है, पांच मैंने पढ़ाई थी डिफरेंट, उनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरली और माइनरी, और ये पांच टाइप्स पढ़ी थी। तो इंडस्ट्री का ताल्लुक उनमें से सेकेंड में, सेकेंडरी एक्टिविटी में इंडस्ट्री आती है। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने तब बताया था कि सेकेंडरी एक्टिविटी में सिर्फ मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही है। बड़ा अहम सवाल पेपर में बार बार आ रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब और कहाँ से स्टार्ट हुई, व्हेन एंड वेयर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज स्टार्टेड। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज स्टार्टेड फ्रॉम 18th सेंचुरी। अगर ईयर आपको पूछा जाए तो 1750 का ईयर जो है वो मिल रहा है। तो कहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन, बर्तानिया में हुई। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, सनती इनकलाब 18वीं सदी में आया और 1750 में आया, 1750 डेट है। एक एमसीक्यू उसमें डेट उससे पूछी गई है, ये आपने याद रखनी है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इट फ्रॉम 18th सेंचुरी यानी 1750 एट ग्रेट ब्रिटेन। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जब आपने अगर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, इंडस्ट्री का सेटअप लगाना है, तो उन फैक्टर्स को आपने जहन रखना है। फैक्टर में जहन में जब रखना है तो उसमें हम क्या किया, तीन फैक्टर है हमारे पास, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर और पोलिटिकल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स और पोलिटिकल फैक्टर्स, ये तीन हमारे पास इसके मेन फैक्टर्स हैं जब हमें इंडस्ट्री लगानी है तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स और पॉलिटिकल फैक्टर्स। जी, जियोग्राफिकल फैक्टर्स में हमने कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना है। आपने जब भी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है या एक अच्छी इंडस्ट्री के लिए, हमें लैंड अवेलेबिलिटी चाहिए, सबसे पहले ज़मीन का दरकार है हमें। फिर जो इंडस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे तो उस इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल हमें चाहिए। अगर लेदर इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली जानवरों का खाल चाहिए। अगर हम शुगर इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें शुगर कैन चाहिए। तो जो इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है उसका रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी चेक करें, सबसे पहले ज़मीन, लैंड अवेलेबिलिटी, सेकेंड वन रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, थर्ड क्लाइमेट बड़ा मैटर करता है।
कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, जैसे मैं पहले भी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि मरी ब्रूरी जो बिग एप्पल जो बनाती है वो मरी में ही क्यों लगाई गई है, क्लाइमेट उसको जो क्लाइमेट दरकार था, जो उसको क्लाइमेट नीडेड था, वो क्लाइमेट मरी में ही उनको शूट करता है, पता कि वहाँ उनको थोड़ा सा वहाँ पे सामान ले जाना और थोड़ा सा इशू भी है, लेकिन क्लाइमेट को दिखाया गया है। लीफ है, वाटर रिसोर्सेज होने चाहिए, पानी, किसी मैंने कहा था कि आपको इस हर इंडस्ट्री के लिए पानी ज़रूर चाहिए। अच्छा, ये जितने फैक्टर्स मैं अभी बता रहा हूँ, कोई भी इंडस्ट्री अगर आपको पूछी जाए, लाइक वो जो मेजर इंडस्ट्रीज हमने पढ़नी है उनमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके बाद हमने सिल्क इंडस्ट्री पढ़नी है, तो इन्हें जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, फर्दर ऑन जितनी भी है, फर्टिलाइजर वगैरह, सबके लिए फैक्टर्स यही हैं। ये फैक्टर्स एक दफ़ा अगर आप जहन में बैठा लेते हैं, देन आपने एक्सप्लेन इसको अकॉर्डिंग टू डैट इंडस्ट्री करना, जो इंडस्ट्री आएगी उसके हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना। सो लैंड अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल, क्लाइमेट, रिलीफ, वाटर रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, बिजली है, गैस है, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो ये फैक्टर आपने माइंड में। सो लोकेशन मैटर करती है कि आपकी इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ होगी, किस तरह होगी। लोकेशन को चूज़ करते हुए जो बातें जहन में रखी जाती हैं कि मार्केट करीब हो, रॉ मटेरियल करीब से मिल रहा हो, लेबर वहाँ पे सस्ती हो, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोकेशन को चूज़ करते हैं। सो जियोग्राफिकल फैक्टर जब भी पूछे जाएँ तो आपने इस पर लिखना है लैंड अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल, क्लाइमेट, रिलीफ, वाटर रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स एंड लोकेशन। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स या इकोनॉमिक फैक्टर्स में वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी और यही उसमें आई, क्योंकि मैंने कहा था कि किसी भी चीज़ के बारे में इकोनॉमिक या सोशो इकोनॉमिक फैक्टर पूछे जाएंगे वो सेम ही है। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हम पढ़ेंगे सब में यही चलेंगे, कैपिटल मेजर थिंग, द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड इन टू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, कैपिटल ज़रूरी है, पैसा चाहिए जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना। फिर उसके बाद दूसरी जो चीज़ चाहिए लेबर, लेबर बहुत मैटर करती है, लेबर चीप होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए, मशीनरी आपने जो है वो रिक्वायर्ड है, वो मशीनरी समटाइम ऐसे होता है कि हैवी प्लांट्स होते हैं उनको इंडस्ट्री तक पहुंचाना बहुत बड़ा इशू होता है कि आपने पोर्ट से अगर वो इंपोर्ट किए तो आपने पोर्ट से उठाने हैं और देन इंडस्ट्री तक जाने हैं, वो भी उसके हिसाब से भी देखा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, रोड्स वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए, मार्केट्स अवेलेबल होनी चाहिए, डिमांड उस प्रोडक्ट की हो जो आप स्टार्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है कि जो आपकी इंडस्ट्री है उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये फैक्टर्स पूरे नहीं होते, लाइक इनमें से जो भी लैक करेगा इंडस्ट्री सफ़र करेगी, तो इसलिए इंडस्ट्री जब भी बनाई जाएगी या कोई भी इंडस्ट्री होगी तो उसके लिए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि सरमाया होना चाहिए, हमारे मजदूर होने चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, ज़राए नकल अमल अच्छे होने चाहिए, मार्केट्स होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, तलब होनी चाहिए और मैनेजमेंट उसकी बेटर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो तीसरे फैक्टर जो इफेक्ट करता है किसी भी इंडस्ट्री को, तो वो फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर, फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर। अब पॉलिटिकल फैक्टर में जब हम देखते हैं तो दो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम इसकी जो हेडिंग है नंबरिंग में वही, नंबरिंग मैंने चेंज नहीं की, नंबरिंग वही चलती आ रही है जो नंबरिंग ऑलरेडी थी। तो इकोनॉमिक सिस्टम में पहली हमारे पास हेडिंग, तो इकोनॉमिक सिस्टम में दो सिस्टम है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और भी हैं, लेकिन कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को देखा जाता है। तो अब पाकिस्तान के अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे कैपिटलिज्म ज़्यादा है, और बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम तो इससे पढ़ेंगे, इंडस्ट्री जब स्टार्ट करनी है हम एज ए कस्टमर से उसको पढ़ नहीं रहे, तो बीइंग अ इंडस्ट्री जब इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो जहाँ पे कैपिटलिज्म सिस्टम हो वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा अर्न करती है, ज़्यादा ग्रो करती है। तो वैसे दो सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, और इंडस्ट्री के लिए कैपिटलिज्म शूट करेगा। फिर टैक्स स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है कि आपकी गवर्नमेंट आपसे टैक्स कितना लेती है। डेफिनेटली टैक्स में अगर रिलीफ दिया जाएगा तो ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होगी, ज़्यादा बेटर होगा। फिर आप उस जब एरिया चूज़ कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल जोन बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, उन इंडस्ट्रियल जोन्स में टैक्स, मतलब टैक्स फ्री जोन जिनके हम कहते हैं, वो भी बने होते हैं, उससे फ़ायदा होता है। जो जिस जिस कंट्री के अंदर टैक्स स्ट्रक्चर बेहतरीन है वहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर बेहतरीन नहीं है वहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है। गवर्नमेंट्स के पैटर्न्स क्या हैं, इसके इंसेंटिव्स क्या हैं, गवर्नमेंट आपको क्या क्या फ़ायदा दे रही है,
डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ये फ़ायदे हो सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट वो दे रही है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर गवर्नमेंट उस पर सख्ती कर रही है, आपको ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल बना रही है एज़ कम्पेयर टू के जो आपको बेनिफिट दे रही है, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। तो नेक्स्ट जो फैक्टर रिक्वायर्ड है वो है पोलिटिकल स्टेबिलिटी। पोलिटिकल स्टेबिलिटी ये है कि अगर इंडस्ट्री लगी है और मुल्क की हालात बेहतर है, कि मतलब चोरी चिकारी कम है, हालात जो है सियासत स्टेबल है, गवर्नमेंट आपकी स्टेबल है, गवर्नमेंट में कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई दहशतगर्दी वाला मामला नहीं है, तो इंडस्ट्री बेटर लगेगी। लेकिन जिन कंट्रीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए, वहाँ इंडस्ट्री नुकसान में जाती है। तो ये थे वो फैक्टर्स, मैं इनको रिवाइज कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें ये तीन मेजर फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, पोलिटिकल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में लैंड, रॉ मटेरियल, क्लाइमेट, रिलीफ, वाटर सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज, लोकेशन, और सोशो इकोनॉमिक या इकोनॉमिक एक ही बात है, मुआशी अवामिल, कैपिटल चाहिए, लेबर, मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट डिमांड, मैनेजमेंट, इन चीज़ों को क्या रखना पड़ेगा। और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी जब आप देखते हैं तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म दो हैं, तो कैपिटलिज्म इंडस्ट्री के लिए बेटर होता है, जबकि कस्टमर्स के लिए या आवाम के लिए सोशलिज्म बेटर होगा। टैक्स स्ट्रक्चर अच्छा को देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट पैट्रॉन्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, उनको देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मुल्की जो सियासी हालात हैं उनको भी फोकस करना पड़ेगा। अब ये एक दफ़ा अगर आप याद कर लेते हैं, इनको एक दफ़ा आप जहन में बैठा लेते हैं फैक्टर्स को, तो जितनी भी हम इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, हर इंडस्ट्री के स्टार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन यही है। तो ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। अब सिर्फ हमने ये पढ़ना होगा कि इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है कहाँ कहाँ से मिलता है, कितने टाइप्स हैं, और कौन कौन कंट्री जो है इस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमने उसमें पढ़ना होगा अगली इंडस्ट्री में।